हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। देखिए, आप लोग बोल रहे थे क्वेश्चन नंबर 5 और 7 करवा दीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है प्रूव दैट। देखिए 5 में करवा दूंगा आपको इधर, और क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो मैं कॉपी पे लिखकर पेज सेंड कर दूंगा, ठीक है ना स्टूडेंट? क्योंकि वीडियो फिर लेंथी हो जाएगी अगर मैं 7 क्वेश्चन को भी करवाऊंगा, तो फिर लेंथी वीडियो हो जाएगी। इसलिए मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन नंबर 7 को पेज पे लिख कर सेंड कर दूंगा और फिर ऑडियो में समझा दूंगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है प्रूव दैट 1 प्लस, और ये याद रखना क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है प्रूव दैट 1 प्लस cos α + iota sin α / 1 - cos α + iota sin α इक्वल टू cot α/2 into e^-iota π/2 - α। कह रहा है ये चीज़ इसके बराबर है कि नहीं। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे तो राइट हैंड साइड प्रूव हो जाएगी। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है स्टूडेंट, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड है तुम्हारी 1 + cos α + iota sin α / 1 - cos α + iota sin α, ठीक है स्टूडेंट? ये आगे लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए 1 + cos α, 1 + cos θ का फार्मूला आप लोग सारे जानते हैं कि 1 + इधर मैं फार्मूला लगाऊंगा तभी जाके ये चीज़ प्रूफ होगी, ठीक है ना? अदरवाइज इसको मैं और कुछ नहीं कर सकता। हाँ रैशनलाइज कर सकता हूँ, लेकिन रैशनलाइज से नहीं होगा, रैशनलाइज नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि माइनस भी आ रहा प्लस भी आ रहा, तो इसलिए इधर फार्मूला लगाना पड़ेगा। अगर मैं 1 + cos α को, मतलब 1 + cos θ का फार्मूला क्या होता है, 2 cos² θ/2 होता है ना 1 + cos θ का फार्मूला। तो 1 + cos α है तो cos α, थीटा की जगह अल्फा है, तो 1 + cos α हो जाएगा 2 cos² α/2। तो 1 + cos α की जगह लिखूंगा मैं 2 cos² α/2, ठीक है स्टूडेंट? ये चीज़ समझ आई? प्लस, बीच में प्लस है तो प्लस। अब iota sin α, आयोटा का तो आयोटा रहेगा, लेकिन साइन थीटा का फार्मूला होता है 2 sin θ/2 × cos θ/2, ठीक है ना स्टूडेंट? साइन थीटा का फार्मूला ये होता है 2 sin θ/2 × cos θ/2। तो मैं आयोटा को आयोटा रखूँगा तो साइन थीटा का फार्मूला लगाऊंगा 2 sin θ/2, मतलब 2 iota sin θ/2, मतलब α/2, थीटा की जगह पर अल्फा है, cos α/2, ठीक है स्टूडेंट? यही फार्मूला होता है। अपॉन नीचे देखिए 1 - cos α, 1 + cos α होता है 2 cos² α/2, लेकिन 1 - cos α होता है 2 sin² α/2, ठीक है ना? 1 - cos θ होता है 2 sin² θ/2, तो इधर थीटा की जगह अल्फा है, तो 1 - cos α की जगह लिखूंगा मैं 2 sin² α/2, ठीक है स्टूडेंट? प्लस इधर साइन थीटा का वही फार्मूला जो ऊपर लगाया, तो आ जाएगा 2 iota sin α/2 × cos α/2, ठीक है स्टूडेंट? आई होप आपको समझ आ रहा है। अब देखिए इक्वल टू, अब देखिए cos 2 दोनों में है, cos भी है इधर भी, तो मैं 2 cos α/2 अगर ले लूँ कॉमन, 2 cos α/2 कॉमन ले लूँ ऊपर से, तो अंदर क्या बचेगा आपके पास? अंदर बचेगा cos α/2 प्लस इधर क्या बचेगा, iota sin α/2, ठीक है स्टूडेंट? ये चीज़ बचेगी। अब नीचे देखिए साइन इधर भी है इधर भी है, अगर मैं 2 sin α/2 ले लूँ कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, sin α/2 + iota cos α/2, ठीक है स्टूडेंट? ये चीज़ आ जाएगी। अब देखिए 2 और 2 कट गया, तो बचा क्या आपके पास, cos/sin किसके बराबर होता है, sin/cos होता है tan के बराबर, लेकिन cos/sin होता है cot के बराबर, तो हमने प्रूव करना था cot α/2, तो cos α/sin α/2 हो गया cot α/2, एक चीज़ आ रही है आस्ता आस्ता, तो ये चीज़ बन जाएगी cot α/2 × अब cos α/2 + iota sin α/2, ये तो वैसे ही रहेगा, ठीक है स्टूडेंट? अपॉन नीचे देखिए sin α/2 + iota cos α/2, ये क्या हो जाएगा, देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ क्योंकि मुझे बनाना है cos θ + iota sin θ, इधर है sin θ + iota cos θ, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, sin α/2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना भाई, क्या
इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉस कॉस पाई बाई टू माइनस अल्फा बाई टू, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, मतलब साइन अल्फा बाई टू को मैं लिख सकता हूँ कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है स्टूडेंट। प्लस आयोटा आयोटा कॉस अल्फा को मैं लिख सकता हूँ आयोटा साइन पाई बाई टू माइनस अल्फा बाई टू, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा के बराबर, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब देखिए ये दिख रहा है आपको, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए इसके आगे क्या करना है, मैं इसी इक्वल के नीचे इक्वल लिखूंगा, ठीक है ना स्टूडेंट, इसी इक्वल के पीछे जगह छोड़ने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। अब इक्वल टू देखिए, अब कॉट अल्फा बाई टू तो वैसे रहेगा, ठीक है। अब मैंने आपको पीछे फर्स्ट यूनिट में आपको बताया था कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को हम लिख सकते हैं सिस थीटा, सी आई एस सिस थीटा। अब थीटा की जगह पर इधर के अल्फा बाई टू, तो इट मीन्स इसको मैं लिख सकता हूँ सिस अल्फा बाई टू अपॉन, नीचे भी कॉस 90 कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा, मतलब ये पूरा थीटा है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसको भी मैं सिस थीटा लिख सकता हूँ, तो अपॉन सिस थीटा, थीटा की जगह पर पाई बाई टू माइनस अल्फा बाई टू, ठीक है। आप बिकॉज करके लिख सकते हो कि साइन थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा सिस थीटा के बराबर होता है, ये पीछे हमने डी मॉर्गन थ्योरम में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो अब देखिए, अब इसके आगे देखिए, अगर मैं इसको क्या करूँ, ये चीज़ इक्वल टू कॉट अल्फा बाई टू इंटू सिस ऐसे कर दूँ इंटू इंटू सिस। अब देखिए ये पाई बाई टू सिस अल्फा बाई टू अपॉन सिस पाई बाई टू माइनस अल्फा, तो सिस थीटा अपॉन सिस थीटा क्या हो जाता है सिस थीटा माइनस थीटा, मतलब जब ये ऊपर जाता है ना तो ये एक थीटा ये और एक इसका थीटा माइनस हो जाता है, तो इसका थीटा मैंने वैसे ही लिखा और माइनस कर दिया इसको, जब माइनस किया तो माइनस पाई बाई टू माइनस माइनस प्लस अल्फा बाई टू, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको ये समझ आया होगा, क्योंकि जब ये सिस थीटा अपॉन सिस थीटा को हम लिख सकते हैं सिस थीटा माइनस थीटा, तो वही मैंने लिखा। अब देखिए ये और ये कट गए, तो आपके पास क्या बच गया, आपके पास बचा कॉट अल्फा बाई टू इंटू सिस, आपके पास क्या बचा भाई, आपके पास बचा सिस माइनस पाई बाई टू, यही बचा सिस माइनस पाई बाई टू। तो देखिए अब सिस माइनस पाई बाई टू बचा, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक मिनट, ये चीज़ जो है सॉरी सॉरी ये कटेगा नहीं, क्योंकि ये भी प्लस का है ये भी प्लस का, तो ये कैसे कटेगा, ये कटेगा नहीं भाई, ये क्या बनेगा देखिए कॉट अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए कॉट अल्फा बाई टू इंटू सिस एक आधा आधा, आधा और आधा कितना होता है भाई, अल्फा बाई टू प्लस अल्फा बाई टू एक अल्फा, मतलब आधा और आधा एक होता है, तो अल्फा बाई टू प्लस अल्फा बाई टू एक अल्फा माइनस पाई बाई टू, ठीक है स्टूडेंट, ये चीज़ आ जाएगी। अब देखिए कॉट अल्फा बाई टू इंटू सिस अल्फा माइनस पाई बाई टू, तो देखिए जब भी कभी मैंने आपको पीछे बताया था सिस वाले केस में कि अगर आयोटा साइन थीटा, मतलब साइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा आ जाए, तो उसको मैं लिख सकता हूँ ई की पावर आयोटा थीटा, ई की पावर आयोटा थीटा, ई की पावर आयोटा थीटा जो है उसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा। तो सिमिलरली इधर सिस थीटा है, तो सिस थीटा को मैं लिख सकता हूँ ई की पावर आयोटा थीटा, थीटा की जगह पर अल्फा माइनस पाई बाई टू, तो यही प्रूफ करना था हमने, नहीं हमने माइनस लाना था, दिस इंप्लाइज इक्वल टू कॉट अल्फा बाई टू, ये दिख रहा आपको, हाँ जी कॉट अल्फा बाई टू इंटू भाई ये समझ आया ना, ई की आयोटा थीटा, ई की पावर आयोटा थीटा को हम लिख सकते हैं सिस अल्फा माइनस पाई बाई टू, जिसको ये समझ नहीं आ रहा वो पहला यूनिट निकाले, पहले यूनिट में बुक पे ऑलरेडी ये रिजल्ट दिए हुए हैं, ठीक है ना, वहाँ से आप समझ आ जाएंगे आपको। अब देखिए ई की पावर मुझे माइनस चाहिए, माइनस आयोटा, तो ये माइनस अगर मैं यहाँ से बाहर ले लूँ
अगर माइनस बाहर ले लूँ अंदर क्या बचेगा, माइनस का पाई बाई टू प्लस का पाई बाई टू हो जाएगा और प्लस का अल्फा माइनस अल्फा हो जाएगा। तो यही तो प्रूफ करना था हमने, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है स्टूडेंट, इक्वल टू हम लिख सकते हैं इक्वल टू आर एच एस, तो एल एच एस ली आर एच एस के बराबर हो गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो मैं आपको कॉपी पे लिख कर वो पेज समझ सेंड कर दूंगा और वहाँ से आपको समझा दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर जिस चीज़ को जो समझ नहीं आएगी वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ओके थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल हम चलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, मेरी मर्ज़ी थी आज मैंने नेक्स्ट एक्सरसाइज करवानी थी लेकिन आप लोगों की प्रॉब्लम थी कि ये क्वेश्चन करवाएं तभी मैं रुक गया। तो चलो कोई नहीं, आज के लेक्चर में इतना ही, तो कल के लेक्चर में इंशाल्लाह हम दूसरी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ओके थैंक यू।